नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है जो कि डाइवर्जेंस थ्योरम और मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। इफ वेक्टर d इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड, फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्लेलिस्ट से डाइवर्जेंस थ्योरम और मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन वाले वीडियो को पूरा देखें, जिसके हेल्प से हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए मिलके सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो हम लोगों को वेक्टर d का वैल्यू है जो हम लोगों को दिया गया है उसके वैल्यू को यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस दिए हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे वेक्टर d इज इक्वल टू डी एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डी वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डी जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों को dx का वैल्यू जो कि x एक्सिस के डायरेक्शन पे कंपोनेंट है उसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, e टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई, और y एक्सिस के डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के कंपोनेंट को कितना लिख पाएंगे, dy, और इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई। जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कंपोनेंट कितना मिलेगा, तो डी जेड इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से कितना लिख पाएंगे, 2z। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे रो v या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए यहाँ पर हम लोग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर डी और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी। अब हम लोग यहाँ पर आगे रो वी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए डेल डॉट वेक्टर डी या डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मूले को लिखेंगे, जो कि क्या होता है, तो लिख पाएंगे डेल डी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल डी जेड अपॉन डेल जेड। अब हम लोग इस वाले रिलेशनशिप पर डी एक्स डी वाई और डी जेड के वैल्यू को पुट करेंगे। यहां पर हम लोग रो वी इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स। यहां पर हम लोगों को डी एक्स के वैल्यू को पुट करना होगा जो कि कितना है, ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई, फिर प्लस करके लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई। अब हम लोग यहाँ पर डी वाई के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई। फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड और इस पे डी जेड के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है, 2z। अब हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करके रो वी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो कि है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब हम लोग e टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन वाई वैसा का वैसा ही रहेगा और e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर हम लोगों को साइन वाई को एज इट इज लिखना होगा। और जब हम लोग यहाँ पर आगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई को, तो माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन वाई माइनस पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कॉस वाई के डिफ्रेंशिएशन को यहाँ पर कितना लिखेंगे, साइन वाई। और जब हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में 2z का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा बाहर, और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1। लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि एक टर्म क्या है माइनस पे और दूसरा टर्म क्या है प्लस पे, तो इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल। तो हम लोगों को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के इक्वेशन का यूज करके मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन पर किस प्रकार से हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।